अध्याय एक, जीवों का विकास, इवोल्यूशन। पृथ्वी पर हजारों लाखों की संख्या में जीवों की प्रजातियां हैं। इनमें से कुछ जीवों से हम सभी परिचित हैं, कुछ के बारे में हमने सिर्फ सुना है। कुछ ऐसे जीव हैं जो विलुप्त हो गए हैं, उनके अवशेष या जीवाश्म से ही उनके होने की पुष्टि होती है। इन्हीं में से एक है डायनासोर। डायनासोर का नाम आप सभी ने सुना होगा। पूरे विश्व में ही नहीं, हमारे देश में भी कई जगह इनके अवशेष समय समय पर मिले हैं, जैसा कि जबलपुर के पास लमेटा घाट में, नर्मदा घाटी में कई जगह इनका प्राकृतिक आवास रहा है। हमें पृथ्वी पर अलग अलग जगह इनके अवशेष मिल रहे हैं, तो पता चल रहा है कि ये विविध प्रकार के थे और पृथ्वी पर लगभग 2000 लाख से 600 लाख वर्ष पूर्व इन्हीं जानवरों का राज था। एक छोटे से छोटा डायनासोर लगभग 50 सेंटीमीटर का, तो बड़ा डायनासोर लगभग 40 मीटर का था। इनमें कुछ मांसाहारी तो कुछ शाकाहारी, कोई दो पैरों पर चलने वाला तो कोई चार पैरों पर, और कोई उड़ने वाला, जैसे कि चित्र क्रमांक एक में दर्शाया गया है। डायनासोर के समय में और उससे पहले कई प्रकार के पौधे पाए जाते थे, जिनमें से कुछ प्रकार के शैवाल, फर्न, मॉस, साइकस, गिंको आदि पौधे आज भी पाए जाते हैं। यही नहीं, चूहे जैसे स्तनधारी प्राणी भी तब थे और तिलचट्टा, कॉकरोच भी। आज के पक्षियों को तो डायनासोर का छोटा रूप ही माना जा सकता है। इस प्रकार ये सूची बहुत लंबी होती जाएगी। डायनासोर के खत्म होते होते विशालकाय हाथी जैसे स्तनधारी और अन्य जीव की संख्या बढ़ने लगी। वर्तमान युग में डायनासोर के युग के जीवों की कुछ प्रजातियां पाई जाती है, परंतु डायनासोर नहीं पाए जाते। आज के समय में कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जैसे मनुष्य और हाथी, जो डायनासोर के युग में नहीं थे। जरा सोचिए, ऐसा कैसे हुआ होगा? कैसे कैसे नए नए जीव बने होंगे, या जीवों में परिवर्तन कैसे आया होगा? क्या आप जानते हैं, गिंको नामक यह पेड़ डायनासोर के युग का है, और हिरोशिमा में एटम बम से सब कुछ ध्वंस होने के बाद पहला पनपने वाला सजीव यही था।